देर आए दुरुस्त आए, यह कहावत उस समय चरितार्थ हुई जब कुरुक्षेत्र प्रशासन द्वारा ब्रह्म सरोवर के चारों ओर की सड़क को पुनर्जीवित करना शुरू किया गया और थानेसर के विधायक श्री सुभाष सुधा ने जिला उपायुक्त मुकुल कुमार की उपस्थिति में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय के सामने सड़क के जीर्णोद्धार का शुभारंभ किया। शुभारंभ करते हुए विधायक सुभाष सुधा ने जहां बताया कि ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ के सड़कों के अलावा ब्रह्म चौक से लेकर मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर तक सड़क के निर्माण कार्य पर लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इन सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष फोकस रखा जाएगा, यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता को भी साफ तौर पर कहा कि यदि इसके बाद भी किसी नागरिक को सड़कों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई खामी नजर आई तो वे अपनी शिकायत सीधे दर्ज करवा सकते हैं, शिकायत पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सुभाष सुधा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से लगभग 42 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। उन्होंने बताया कि जिस सड़क का आज शुभारंभ किया गया है यह सड़क लगभग 5 किलोमीटर लंबी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि नगर के सड़कों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लगभग 42 सड़कों का निर्माण किया जाना है इनमें से 27 सड़कों का एस्टिमेट बनाकर स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है, जबकि 21 सड़कों की अनुमति सरकार की तरफ से दे दी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि गीता महोत्सव को देखते हुए शहर के सभी चौकों के आसपास सड़कों पर पैच वर्क लगाकर सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस अवसर पर उपायुक्त मुकुल कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान यह भी देखने में आया कि गीता महोत्सव के आयोजकों द्वारा पहले से की गई घोषणा के अनुसार एक ओर जहां आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के शिल्प और सरल सरस मेले तथा अन्य कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जा रहा था, वहीं सड़क का निर्माण भी पूरी तेजी से चल रहा था। रात्रि देर को भी सड़क निर्माण का कार्य जारी है।